सो हेलो भाइयों, वेलकम करते हैं आप सभी का एक और नए ब्लॉग के साथ। भाइयों आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि देख सकते हैं आज हम गांव से लगभग थोड़ा दूर आए हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग ऐसे ही आधा किलोमीटर दूर है। यहां गांव से बाहर आए हैं और यहां देख सकते हैं ऊपर देख सकते हैं जामुन का पेड़ है। इस समय जामुन की सीज़न चल रही है ना, इसीलिए जामुन का पेड़ में जामुन लगे हुए हैं। और भाइयों आज के ब्लॉग में हम आप लोगों को दिखाएंगे जामुन तोड़ के, जामुन दिखाएंगे कितने सारे जामुन है, बहुत ही स्वादिष्ट जामुन लगे हुए हैं यहाँ। और भाइयों आज ब्लॉग बनाने आए हैं तो हवा कुछ ज़्यादा चल रही है, इसलिए हवा की आवाज़ भी आ रही होगी। और भाइयों आप लोग सोच रहे होंगे कि हम सुबह क्यों ब्लॉग बनाने आए। भाइयों हम कुछ दिनों से ब्लॉग बना रहे हैं, दो तीन, तो हम लोग थोड़ा लेट हो जा रहे हैं। जब शाम को वीडियो ब्लॉग बनाते हैं ना तो थोड़ा लेट हो जाते हैं, इसलिए हमने सोचा क्यों ना सुबह से ब्लॉग बनाया जाए। सुबह से बनाएंगे तो लेट नहीं होंगे, क्योंकि घर का काम करना पड़ता है, इसीलिए शाम को लेट हो जाते हैं। लेकिन कोई ना भाइयों, मैं फिर भी पर डे एक वीडियो डालता हूँ, पर डे आपको एक ब्लॉग देखने को मिलता है। लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो तो भाई दिल से बुरा लगता है, इसीलिए भाइयों सपोर्ट किया करो। इसीलिए इस वीडियो पर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। भाइयों देख सकते हैं यही है वो जामुन का पेड़, देख सकते हैं वहाँ पर कितने सारे जामुन लगे हुए हैं। यहाँ पर बिल्कुल साफ फ़ोटो नहीं आ रहा है, लेकिन जामुन बहुत ही ज़्यादा लगे हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर भी जामुन लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ना बच्चों ने तोड़ लिए, छोटे छोटे बच्चों ने तोड़ लिए, और ये देख सकते हैं नीचे कितने सारे जामुन पड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छे जामुन हैं। और ये हवा चल रही है ना, इसलिए ये गिर चुके हैं, अभी ही गिरे हैं ताज़े, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और भाइयों देख सकते हैं यहाँ पर एक जामुन पड़ा हुआ है, बहुत ही अच्छा जामुन है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। और भाइयों कमेंट में बताना क्या आप लोगों ने भी जामुन खाए हैं या नहीं खाए हैं। भाइयों कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने अपने आप तोड़ के कभी जामुन खाए हैं या ख़रीद के खाए हैं। और भाइयों समय आ चुका है अब जामुन तोड़ने का, हम आप लोगों को जामुन तोड़ के दिखाएंगे, और बहुत सारे तोड़ेंगे वो भी दिखाएंगे, कितने सारे जामुन तोड़े हैं वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, इसकी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि समय आ चुका है जामुन तोड़ने का। और भाइयों समय आ चुका है जामुन तोड़ने का, देख सकते हैं ये डंडे हैं, इनसे हम लोग जामुन तोड़ेंगे। और देख सकते हैं भाइयों उस साइड में बहुत सारे जामुन लगे हुए हैं, अभी हम लोग डंडा चलाएंगे, देखते हैं कितने जामुन मिलते हैं। चलो डंडा मारते हैं, देख सकते हैं कितने सारे जामुन गिरे हैं एक ही डंडे में, इतने सारे जामुन गिरे, पहले तोड़ लेते हैं फिर बाद में पी लेंगे इन जामुनों को। चलो और तोड़ते हैं, इस बार भी एक भी जामुन नहीं गिरा, डंडा ही लग गया था, ऊपर ही लग गया था, लेकिन आवाज़ पानी है। एक डंडा चलाने से बहुत ही ज़्यादा जामुन गिर रहे हैं, बहुत ही जामुन बिल्कुल ना एकदम लगे हुए हैं, बिल्कुल पक चुके हैं, इसलिए डंडा लगते ही बहुत सारे गिर जाते हैं, जैसे हिलता है थोड़ा गिर जाते हैं। डंडा ऊपर ही रह गया भाई, डंडा ऊपर ही रह गया, डंडा नीचे नहीं आया, बिल्कुल जामुन आ चुके हैं लेकिन डंडा नहीं आया। लेकिन अब दूसरा डंडा उधर साइड में है, अभी हम लोग उसे उठाते हैं फिर आप लोगों को दिखाएंगे। और भाइयों हमको हमारे डंडे मिल चुके हैं, लेकिन अब फिर से हम ट्राई करते हैं, देखते हैं कितने जामुन टूटेंगे। अब आगे तक आपको दिखाएंगे कि जितने जामुन टूटेंगे सभी जामुन आप लोगों को दिखाएंगे। चलो शुरू करते हैं जामुन। अरे ये तो मिस हो गया, डंडा लगा ही नहीं, लेकिन फिर भी गिरे जामुन। अब ये तो डंडा बेकार है, ये वाला बढ़िया डंडा, इससे गिरते हैं जामुन ज़्यादा। पानी गाय हमारे डंडा नीचे आ चुका है, ऊपर हिल गया था, लेकिन जैसे ही मारते हैं ये डंडे में लगता है तब डंडा नीचे गिर जाता है। चलो तोड़ते हैं और जामुन, देख सकते हैं भाइयों एक डंडा मार रहे थे लगभग 15-20 जामुन गिर रहे हैं, लेकिन फिर बहुत अच्छे ऊपर डंडा गिर जा रहा है। एक डंडा मार रहे थे लगभग 20-25 जाएगी। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं हम लोगों ने कितने सारे जामुन तोड़े हैं, देख सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट जामुन है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में, बहुत ही ज़्यादा जामुन तोड़े हैं हम लोगों ने, कुछ तो ख़राब हो गए, कुछ तो मिले नहीं, जितने मिले हैं अच्छे अच्छे भर लिए हम लोगों ने, ज़्यादा नहीं लिए फिर भी खाने भर के ले लिए जितने अच्छे लगे। और भाइयों देख सकते हैं लगभग
जामुन बहुत ही ज़्यादा है, बड़ी बनी है ना, बड़ी बनी है इसीलिए नहीं मालूम चल रहा है। 150 नंबर जामुन हम लोगों ने तोड़े हैं। और भाइयों कमेंट में जरूर बताना क्या आपने कभी जामुन तोड़ के खाए। और भाइयों आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक ज़रूर से कर लेना, और हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।